कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर पक्षी था और अभी तक कुंवारा भी था, इसलिए जंगल के सभी कौवियाँ कालू से शादी करने के सपने देखा करती। पता नहीं ये कालू शादी करने की कब सोचेगा। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, एक वो है हाँ ही नहीं भरता। ओए सुंदरी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, जो मेरे कालू जी का नाम भी लिया अपनी गंदी जुबान से। कालू मुझसे ही शादी करेगा, गोरी नाम है मेरा, आगे से ध्यान रखना। गोरी, तू तो बस नाम की गोरी है, रंग तो तेरा काला ही है, और मुझे देख, नाम भी सुंदरी और हूँ भी मैं सुंदर। तू देख लेना, कालू सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा, ना कि तुझसे। सुंदरी की बच्ची, तेरी इतनी मचाल, जो तू गोरी का मजाक बनाए। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहते ही गौरी सुंदरी के गाल पर थप्पड़ लगाती है, फिर सुंदरी भी गौरी पर हमला करती है। इस तरह से दोनों कवियों में झगड़ा हो जाता है। पास बैठा मिट्टू तोता उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन झगड़ा होते ही उनके पास आकर उन्हें रोक लेता है। आप दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, एक बार कालू कौवे से जाकर पूछ लो, आखिर वो किससे शादी करना चाहता है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, चल अभी की अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर दोनों कौवियाँ जल्दी से कालू के पास चली जाती हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात बता देती हैं। कालू कौवा थोड़ी देर तो सोच में पड़ जाता है। तो ये समस्या है तुम दोनों की, आप इस सुंदरी को बता दीजिए कि आप मुझसे ही शादी करोगे। हाँ कालू जी, आज आप अपना फैसला सुना ही दीजिए, वरना ये गौरी की बच्ची मुझसे रोज रोज झगड़ा करेगी। सुंदरी कौवी और गौरी कौवी, अभी के लिए आप दोनों अपने अपने घर जाएं। मैं आपको कल सुबह अपना फैसला सुना दूंगा। कालू की ये बात सुन वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत बड़ी दुविधा में था। अब मैं क्या करूँ, ये कैसी समस्या आ गई मुझ पर। गौरी कौवी भी बहुत अच्छी है और सुंदरी कौवी भी, मैं किससे शादी करूँ। हाँ, मैं रानो चिड़िया के पास चला जाता हूँ, वो इसका मुझे कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगी। ऐसे विचार कर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे कालू भैया, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। रानो चिड़िया, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूँ, गौरी कौवी और सुंदरी कौवी दोनों ही मुझसे शादी करना चाहती हैं और आपस में लड़ती भी हैं। मैं किसको हाँ करूँ और किसको ना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परंतु कालू भैया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। रानो, तुम तो जंगल की सबसे समझदार पक्षी हो, अब तुम ही मुझे बताओ मैं किससे शादी करूँ। कालू भैया, आप उससे शादी कीजिए जो आपका मुसीबत में साथ दे और आपके दुख को अपना दुख समझे। अरे वारानो, तुमने तो मेरी समस्या मिनटों में सुलझा दी, अब देखना मैं कैसे दोनों की परीक्षा लेता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को अपना प्लान समझा देता है और खुद पहाड़ों के जंगल में चला जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया मिट्टू तोते के घर जाती है और कालू कौवे का प्लान मिट्टू तोते को भी समझा देती है। ठीक है मिट्टू, आपको गौरी कौवे के पास जाना है और उसे बताना है कि कालू कौवा कैसे बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है रानो, मैं अभी जाता हूँ और देखना मैं कितने अच्छे नौटंकी करता हूँ गौरी के सामने। फिर वो दोनों सुंदरी कौवी और गौरी कौवी के पास चले जाते हैं। गौरी, तुम्हें कुछ पता भी है कल कालू कौवे के घर पर
बिजली गिर गई थी। बेचारे का सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। हाय मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो, सब कुछ जल गया? हाँ गौरी, जैसे तैसे कालू बचा है, परंतु अब बेचारे के पास रहने को घर भी नहीं है, इसलिए जंगल छोड़कर पहाड़ों में चला गया। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। इधर रानू चिड़िया भी सुंदरी कौवी से बातें कर रही थी। चलो भगवान जी ने ये तो बहुत अच्छा किया जो उसका घर आज ही चला दिया। अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं कहाँ रहती, मुझे भी कालू के साथ दर दर के ठोकरें खानी पड़ती। चलो बहुत अच्छा हुआ। सुंदरी, ये तुम क्या बोले जा रही हो, यहाँ कालू भैया की जान मुश्किल से बची है और तुम्हें अपने रहने की पड़ी है। ऐसे कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। परंतु सुंदरी को भी अब भी सोच रही थी, अब तो ये खबर गौरी को बतानी पड़ेगी, जल्दी से उसके घर जाती हूँ। फिर सुंदरी को भी जल्दी से उसके घर चली जाती, परंतु रास्ते में उसे गौरी को भी मिल जाती है। अरे सुंदरी, मैं तेरे पास ही आ रही थी, पता है कालू का सब कुछ जल गया, अब तो वो पूरी तरह से फकीर है, फकीर पहाड़ों में गया है। हाँ गौरी, मैं भी यही कहने वाली थी, अब उससे शादी करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा हुआ जो हम तो बच गए, वरना शादी हो जाती तो हमें पहाड़ों में रहना पड़ता। हाँ सुंदरी, और उस कालू के वजह से हम दोनों में कितने झगड़े होते थे, आज से सब खत्म, अब हम पक्की सहेलियां बनकर रहेंगे। वो दोनों ऐसी बातें कर अपने अपने घर चली जाती हैं और मिट्ठू तोता और रानो उन दोनों की बातें सुन रहे थे। मिट्ठू, ये दोनों तो धोखे बाज निकली, दोनों ही कालू के पैसों से प्यार करती थी। हाँ रानो, दोनों में से कोई भी प्यार नहीं करती हमारे कालू को, दोनों की दोनों एक नंबर के मक्कार निकली। चलो कम से कम कालू भैया तो इन छोटी मक्कारों से बच गए। ऐसे बातें कर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर गौरी भी कालू कौवे के बारे में सोच रही थी, क्या सच में मुझे कालू के घर और पैसों से प्यार था? नहीं नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं हो सकती, मैं कालू को ढूंढकर जरूर लाऊंगी और उसे अपने घर में रखूंगी, पहाड़ों में नहीं भटकने दूंगी। ऐसे सोचते हुए गौरी कभी कालू को ढूंढने पहाड़ों के जंगल चली जाती है और कालू कौवे को ढूंढ लेती है। अरे गौरी, तुम यहाँ? तुम्हें तो पता ही होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं जंगल का सबसे गरीब पक्षी हो गया हूँ। कालू जी, आप सही सलामत हो, मेरे लिए यही काफी है, अब मैं तुम्हें यहाँ ऐसे पहाड़ों में नहीं रहने दूंगी, आप चलो मेरे घर चलो। गौरी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा गौरी से ही शादी करने का फैसला कर लेता है और वो दोनों अपने जंगल लौट आते हैं। कल नए शूज पहनकर स्कूल जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके पुराने शूज भी तो ठीक हैं, मैं उन शूज को दोबारा नया बनवा दूंगी, तीन बार पहले ही सिलवाई करवा चुकी हूँ मैं उन शूज की, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं मम्मा, अब तो मैं वो शूज पहनकर कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, चलो हम सब जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। कालू भैया, आज मुझे कुछ ज्यादा लकड़ियाँ काटनी है, मेरी बेटी के स्कूल शूज टूट गए हैं, मुझे आज अपनी बेटी के लिए स्कूल के नए शूज लेने हैं। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ काटने चली जाती है। वो जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को सूखी लकड़ियाँ काट कर बेच देते, ऐसे ही उनका घर का खर्चा चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर तोता भी आ जाता है और वो तीनों दोस्त घने जंगल में पहुँच जाते हैं।
यहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है, हमें और आगे जाना होगा। अगर आज हमें सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो कैसे हम घर का खर्च करेंगे। वो थोड़ा और आगे जाते हैं। वो पूरे जंगल में देखते हैं, मगर अभी तक उन्हें कहीं से भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली थी। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। मेरी बेटी के शूज टूट चुके हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी से। मैं अपनी बेटी को नए शूज भी नहीं लेकर दे सकती। मेरा बेटा कल से बीमार है, अगर सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं अपने बेटे को दवा कैसे लेकर दूंगा। कौवा बोलता है, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरी पत्नी भूखी है, मेरा बेटा भूखा है। उन पक्षियों की बात सुनकर साथ वाला पेड़ उनसे कहता है, चिंता ना करो दोस्तों, मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं करूँगा आपकी मदद। कका कैसे, वो कैसे पेड़ जी? आप अपनी आंखें बंद करो। फिर वो सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक तेज रोशनी पेड़ से बाहर आती है और उस पेड़ के पत्ते सोने के बन जाते हैं। अपनी आंखें खोलो और मेरे सोने के पत्तों में से तुम सब एक एक पत्ता तोड़ सकते हो। तोता, कौवा और चिड़िया अपनी आंखें खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं, सोने के पत्तों वाला जादुई पेड़। चिड़िया चिड़िया, ये तो चमत्कार हो गया। फिर वो सब उस पेड़ से एक एक सोने का पत्ता तोड़ लेते हैं और खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। चिड़िया वो सोने का पत्ता सुनार को देती है और बदले में कुछ पैसे ले लेती है। तोता और कौवा भी वो सोने का पत्ता सुनार को देकर पैसे ले लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए स्कूल शूज लेती है। तोता अपने बेटे की दवा लेने के लिए बुलबुल के पास चला जाता है और कौवा अपने घर के लिए महीने भर का राशन ले लेता है। मेरे नए शूज, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अब मैं भी दूसरे पक्षियों की तरह नए शूज पहनकर स्कूल जाऊंगी। बहुत मजा आएगा मुझे। कालू, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? मैं भी उस पेड़ से एक सोने का पत्ता लूंगी। वो पेड़ घने जंगल में है, हम सब ने उस पेड़ से एक एक सोने का पत्ता तोड़ लिया था। तुम कितने पागल हो कालू, अगर उस पेड़ से दो सोने के पत्ते तोड़ लेते तो मेरे सोने का हार भी आ जाता। घर के लिए राशन मिल गया, यही बहुत है, और तुम मांग रही हो सोने का हार। कालू, अगर उस पेड़ ने तुम्हारी मदद की तो मेरी भी जरूर मदद करेगा। मैं तो लेकर रहूंगी सोने का हार। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। वो बहुत तेजी से उड़ती उस चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाती है। इधर उधर देखकर गौरी कौवी वहां बैठ जाती है और झूठ मूठ का रोने लगती है। मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। अगर मैं आज अपने माँ के लिए दवा लेने नहीं गई तो मेरी माँ मर जाएगी। क्या करूँ मैं? गौरी कौवी की बात सुनकर वो पेड़ गौरी से कहता है, कौवी चुप कर जाओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ। गौरी कौवी एक आंख बंद करती है और दूसरी आंख से देखती रहती है। पेड़ से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और उस पेड़ के सारे पत्ते सोने के बन जाते हैं। अपनी आंखें खोलो और मेरा एक सोने का पत्ता तोड़ लो। गौरी तो इतने सारे सोने के पत्ते देखकर पागल हो जाती है। पेड़ पेड़, एक पत्ता मेरी माँ के दवा के लिए। गौरी फिर से सोने का पत्ता तोड़ती है। ये एक पत्ता मेरे पिताजी की दवा के लिए।
और ये एक पत्ता मेरे चाचा की दवा के लिए, ये मेरे मामा की दवा के लिए। गौरी को भी ऐसे बोले जा रही थी और सोने के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने टोकरी में रखे जा रही थी। और ये आखिरी पत्ता मेरी नानी की दवा के लिए। गौरी कभी सोने के पत्तों की टोकरी भरकर वहाँ से चली जाती है। कोई देख ना ले इसलिए गौरी कभी टोकरी के ऊपर एक कपड़ा रख देती है और सीधी सुनार के पास जाती है। सुनार सुनार, ये लो सोने के पत्ते और मुझे पैसे दे दो और एक बड़ा सा सोने का हार भी दे दो। उस जादुई सोने के पत्तों वाले पेड़ ने कल चिड़िया और तोते को भी सोने का पत्ता दिया था। वो पेड़ बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। सुनार जब टोकरी से कपड़ा हटाता है तो हंसने लगता है। मैं पागल नहीं हूँ, ये तो गोबर है दुष्ट कवि, और तुम मुझे सोने के पत्ते बोल रही हो। क्या ये सच में गोबर है? नहीं विश्वास तो पंख लगा कर देख लो, मैं गोबर नहीं लेता, जाओ भाग जाओ यहाँ से। फिर गौरी कवि रोने लग जाती है। अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, वो बचपन से ही घरों पर पेंट करने का काम करती थी और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति ज्यादातर बीमार रहता था। दोस्त कबूतर, कोई ऐसा पेंटर बताओ जो इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर हो, मुझे अपने घर को रंग करवाना है। क्या कालू, तू रानो चिड़िया को नहीं जानता? वो तो इस जंगल के मशहूर पेंटर है, तेरे घर को एकदम सुंदर रंग देगी। क्या सच में वो चिड़िया इतना अच्छा काम करती है? तो जल्दी दो मुझे उसका पता, जल्दी दो, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। फिर कबूतर कालू को चिड़िया का पता दे देता है और कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। मेरे घर को अच्छे से रंग करना, कहीं भी कोई थप्पा ना रहने पाए। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके घर को अच्छे से रंग करूँगी, आप जरा भी चिंता ना करें। तो ठीक है, कल से ही काम शुरू कर दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। चिड़िया से ऐसे बात कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है, जहाँ कालू की पत्नी गौरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, मिल गया है क्या कोई पेंटर, या यूं ही आ गए? हाँ गौरी, इस जंगल के सबसे मशहूर पेंटर से मिलकर आया हूँ। वो चिड़िया कल से ही हमारे घर को रंग करना शुरू कर देगी। क्या कहा, एक चिड़िया हमारे घर को पेंट करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है। अरे गौरी, वो कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, सबसे अच्छा काम करना जानती है, पूरे जंगल में नाम है उसका। कालू जी, मैं उस रानो चिड़िया को अच्छे से जानती हूँ, बचपन में हम साथ पढ़ते थे, वो मुझसे ज्यादा समझदार थी और मैं उससे चला करती थी, इसलिए उससे घर का काम नहीं करवाना चाहती। गौरी, ये तो और भी अच्छा हुआ, जब आपकी सहेली हमारे घर को पेंट करेगी तो वह आपको देखकर चिढ़ेगी और आप उसका खूब मजाक उड़ाना। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आने दो उसे कल, अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी, हम उस चिड़िया से काम भी करा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे, भला वो गरीब चिड़िया हमारा क्या कर सकती है। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और उधर रानो चिड़िया अपने बीमार पति को समझा रही थी। बस आकाश जी, थोड़े दिनों की ही बात है, फिर आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। नहीं, मुझे ऐसे ही मर जाने दो, मेरी वजह से आपको एक पल की भी खुशी नहीं मिलती, बस काम करा करा के मैंने आपकी जिंदगी
खराब कर दी है। नहीं आकाश जी, ऐसा फिर दोबारा कभी मत बोलना। भगवान की कृपया से मेरा काम पक्षियों को बहुत पसंद आता है और इसलिए ऑपरेशन के पैसे जल्द ही जमा होने वाले हैं और आप ठीक हो जाएंगे। फिर वह दोनों पति पत्नी भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे रानू चिड़िया, तू क्या अभी भी ये पेंट का काम करती है? हाँ गौरी, मैं तो अभी भी पेंट का काम करती हूँ। और आप सुनाइए, सब बढ़िया है? गौरी जी, क्या ये गरीब चिड़िया आपके दोस्त है? इसकी हालत तो देखो। नहीं नहीं कालू जी, ये मेरी दोस्त नहीं है। बचपन में एक दो बार बातें क्या कर ली, ये तो मुझे अपना दोस्त ही समझ बैठी। सुन लिया चिड़िया आपने, ये दोस्ती का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो यहाँ से। कालू कौवे की ऐसी बातें चिड़िया को उदास कर देती हैं और वो चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। क्या इस दुनिया में गरीब पक्षियों की कोई इज्जत नहीं होती? गौरी कौवे तो मेरी बचपन की दोस्त थी, फिर भी आज इसने अपने पति के सामने मुझे अपना दोस्त नहीं माना। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ गौरी आकर कहती है, देखो रानो, हम बहुत अमीर पक्षी हैं, तुम्हारी तरह मेरी शादी किसी गरीब पक्षी से नहीं हुई है बल्कि कंपनी के मैनेजर कालू से हुई है, तो अपना मुंह सोच समझकर खोलना, आगे से ऐसी गलती होने ना पाए। ठीक है गोरी, आगे से मैं तुमको अपना दोस्त कभी नहीं कहूँगी। मैं याद रखूँगी कि मैं तेरे घर सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छे से पेंट करो, किसी भी दीवार पर थप्पा नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहकर गौरी कौवे वहाँ से चली जाती है। ये गौरी कौवे तो अपनी रहस्य में मदहोश है, एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। फिर रानू चिड़िया अपने काम को खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो घर को पेंट करती है। वो कालू गौरी के पूरे घर को पेंट कर देती है। कालू का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। कालू भैया जी, मैंने आपके सारे घर को पेंट कर दिया, अब मेरे पैसे दे दो। पैसे? अब किस चीज के पैसे? हम अमीर हैं तो क्या आप हमें लूटोगी? भैया जी, ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने आपके घर को रंग किया है और उसी के पैसे मांग रही हूँ। फिर उन तीनों में चोर चोर से बहस होने लगती है। चिड़िया भी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बता देती है। अब आप चुप हो जाइए, अगर भगवान की इच्छा हुई तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, परंतु रानू को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। आकाश की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे आकाश जी को सही सलामत रखना, मैं बहुत जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगी।